पीछे धरने पर बैठे हैं, क्या विषय है? ये विषय है कि हमारे इंदौर के पूर्व विधायक महेश प्रसाद गुप्ता जी, जो आपदा कोरोना आपदा की कमेटी सदस्य होने के नाते उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए उस कंटेनमेंट एरिया के अंदर करा, जहाँ पर 5 लोग मर चुके हैं अभी तक और 60 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो एरिया आज भी सील है। उस सील को खोल कर पुलिस प्रशासन को धक्का देकर वहाँ पर जो लगे हुए बैरिकेड्स वो सब खोल के एक मैदान के अंदर प्रोग्राम करा। उस प्रोग्राम मैदान के अंदर 2000 महिला इकट्ठा करके, पर 2000 महिला इकट्ठी कैसी हुई ये प्रशासन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनका जो समर्थन तंत्र है, खुफिया तंत्र है, वो भी फेल हो चुका है और वो आदमी कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का जो धज्जे उड़ा रहे हैं और आम जनता की जो एक बम फटने वाला है। इस बम को फटने के चक्कर में आज देखिए जो इंदौर नहीं पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना 4th नंबर आ रहा है इंडिया का और इंदौर का 7वें नंबर पे, और ये एक बम फटने की स्थिति हो गई। ऐसे में ऐसा एक जो खराब प्रोग्राम बहुत गलत किया है, वहाँ पर महिलाओं को गाली फेंकी गई, महिलाओं के कपड़े फटे गए और ऐसा मतलब वो अनाज कहाँ से आया? नगर निगम अनाज बांट रहा था, उस अनाज को बांटा और अनाज 70 दिन तक क्यों नहीं बांटा इन अनाज, और आज अनाज बांट रहे हैं। उस अनाज को जो घर में रखा है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर में अनाज रखा हुआ है, इसका मतलब आज लाखों करोड़ों का जो अनाज है वो अपने घर में रखा हुआ है, वो लोग नहीं बांट रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने 70 दिन तक लॉकडाउन का पूरा पालन कराया, उस पालन को आज खत्म हो गया। अब इस मरने जो लोग मरेंगे कोरोना पॉजिटिव होंगे, इसकी जिम्मेदार कौन है? उस एरिया में करा, जिस एरिया में 5 लोगों के परिवार मर चुके हैं, उनको धक्का देते हुए आज ये प्रोग्राम करा गया, तो उनके घर पर क्या बीतेगी? और जो 70 दिन अपने घर के अंदर बैठे हुए उन पर क्या बीतेगी? जो पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा इंदौर जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी थी, वो आज वो पूरी धज्जे उड़ा के इसको बम बना दिया गया है। मांग क्या कर रहे हैं हम? ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर 170 और 128 धारा लगना चाहिए, जो कोरोना पॉजिटिव के अंदर इसके जिम्मेदार कौन है।